हमारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे, वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंश अवतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आज हम जानते हैं कि कौन किसका अवतार था। भगवान श्री कृष्ण 64 कला और अष्ट सिद्धियों से पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि वे अपने पिछले जन्म में मनु थे। बलराम, महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित कर नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊजी कहा जाता है। बलराम का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर लिया था। उनके शौर्य की गाथाएं अनेक हैं। ऐसा कहा जाता है कि राम अवतार में बलराम प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण थे। कृष्ण अवतार में बलराम जी ने उनका बड़ा भाई होने की इच्छा जताई, इसीलिए वो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे। भीष्म महाभारत के प्रमुखों में से एक थे। द्यु नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु और गंगा के पुत्रों के रूप में जन्म लेना पड़ा। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु द्यु जीवित रह गए। वही भीष्म थे, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। द्रोणाचार्य, भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा, महाभारत में अश्वत्थामा भी अहम है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। कर्ण, देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र थे। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। कर्ण के विषय में सभी जानते हैं कि वो सूर्य और कुंती के पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंगदेश के राज सिंहासन का भार संभाला था, इसीलिए उन्हें अंगराज भी कहा जाता है। जरासंध को हराने के कारण उन्हें चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन, कलियुग तथा उसके 100 भाई पुलत्स्य वंश के राक्षसों के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। वेदव्यास के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था।
दुर्योधन के असंख्य कुकृत्यों के कारण अंत में कौरवों और पांडवों में युद्ध आरंभ हो गया। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, किंतु श्री कृष्ण के कारण उसकी जंघा कठोर नहीं हो पाई, जिसके चलते महाभारत के युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार कर उसका वध कर दिया। अर्जुन देवराज इंद्र का अंश था। अर्जुन के धर्म पिता पांडु थे, किंतु असल में वो इंद्र और कुंती का पुत्र था। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छल द्वारा छीन लिए थे। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार और मांग लिया उनसे उनके कवच और कुंडल का दान। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे भीम का परम वीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। युधिष्ठिर धर्मराज और कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्म पिता पांडु थे और वे पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नामक एक और पत्नी थी। युधिष्ठिर शरीर के साथ स्वर्ग में चले गए थे। नकुल और सहदेव, ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे नासत्य और दस्त्र। सहदेव त्रिकालदर्शी था। उसने महाभारत युद्ध के होने और इसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे इस घटना को किसी को भी बताने से मना कर दिया था। कृपाचार्य, रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। शकुनी गांधारी का भाई और कौरवों का मामा था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र और पांडु, अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। विदुर, सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। गांधारी, मती का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। रुक्मिणी और द्रौपदी, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में माता लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुतगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से दृष्टद्युम्न तथा राक्षस के अंश से श्रीखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। इंद्र के आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी।
इस प्रकार महाभारत के सभी पात्र पूर्व जन्म देवता गंधर्व यक्ष रुद्र वसु अप्सरा राक्षस तथा ऋषियों के अंश थे। जय श्री कृष्ण।